तो भाई हैप्पी इंडिपेंडेंस आप सभी को। आज थिएटर में 3 मूवी लगी, उसमें से मैंने एक देख लिया हूँ 3-2। उसके बारे में बात करने से पहले मुझे थोड़ा सा अक्षय पाजी के बारे में बोलना है कि अक्षय पाजी पता क्या हो गए, जैसे कि डिमांड में एक मैगी पे एक मैगी फ्री मिलता है ना, तो वैसे ही अक्षय पाजी ने जो फ्री वाला मैगी ना वो हो गए भाई, हर मूवी में दिख जाते हैं। अगर किसी को खेल खेल में नहीं देखना है कि भाई अक्षय पाजी को आज मुझे नहीं देखना है, तो भाई साहब 3-2 देखने गए, वहाँ पे भी अक्षय पाजी आपको मिल गए। आप सभी से यही रिक्वेस्ट है भाई, अक्षय पाजी के कमेंट बॉक्स में जाओ और बोलो कि भाई थोड़ा सा अपना प्रोडक्शन कम करो। और बाकी के 2 मूवी का भी रिव्यू इसी चैनल पे आने वाला है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो लौट के आते हैं अपने 3-2 मूवी के ऊपर, जो कि 2 घंटा 11 मिनट समथिंग की है। तो भाई लोग, ये मैडॉक की 4th फिल्म है, पहला मूवी था स्त्री, उसके बाद आया था भेड़िया और उसके बाद मुंजी आया था और अब 3-2 आई है। इसका हाइप बहुत था, तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अगर आपको कॉमेडी फिल्म पसंद है तो आपको ये जरूर देखनी चाहिए। इस मूवी के अंदर आपको पूरा 2 घंटा 14 मिनट के अंदर सिर्फ 4 लोग ही देखने मिलेंगे सबसे ज्यादा, जिसमें से एक पंकज त्रिपाठी है, एक अपार शक्ति और एक अभिषेक और एक अपने प्यारे राजकुमार राव। ये 4 लोग के ऊपर ही पूरी फिल्म बनी है। ऑलमोस्ट आपको स्क्रीन पे यही 4 देखने को मिलेंगे पूरे गांव में। मूवी के पहले पार्ट पे आपको बहुत ही ज्यादा मजा आएगा, इतना कॉमेडी ये चारों ने किया है। और बीच में थोड़ा लेंदी लगता है और लास्ट का जो जब खत्म होने आती है मूवी, तो वहां पे जाके बहुत मजा आता है। और उसी के बीच में वरुण धवन की एंट्री होती है, और मैं सही बता रहा हूँ अक्षय कुमार की भी बीच में कैमियो था और वरुण धवन का भी कैमियो था, लेकिन अक्षय कुमार का इतना बेकार एंट्री हुई है ना, लेकिन मेरे को वरुण धवन की कैमियो अच्छी लगी। तो थोड़ा सा मैं बता देता हूँ मूवी कौन सी स्टोरी बेस पे चलेगी। तो इसके अंदर जैसे कि स्त्री के अंदर सब लड़कों को स्त्री उठा ले जाती थी, वैसे ही इसके अंदर कटा हुआ भूत है जो कि लड़कियों को उठा ले जाता है, जो कि एकदम मॉडर्न होती है, जो लड़की नए ख्यालों के साथ रहती है उसको उठा ले जाता है। और इसी के बीच में अपार शक्ति की जो गर्लफ्रेंड होती है उसको भी उठा ले जाता है कटा हुआ भूत। अब अपार शक्ति तो खाली बैठेंगे नहीं, तो राजकुमार राव, अभिषेक और पंकज त्रिपाठी के साथ लग जाते हैं कि कैसे मेरी गर्लफ्रेंड को बचाना है। अब स्टोरी इसी के ऊपर चलेगी, इसी के बीच में श्रद्धा कपूर भी आएंगी। ये तो हो गया स्टोरी का बेस, मूवी का बेस हो गया। अब बात करता हूँ मैं कैरेक्टर की, तो उसके अंदर जो पंकज त्रिपाठी का कैरेक्टर है बहुत ही खतरनाक है और कॉमेडी से भरा हुआ है। और बात करूँ मैं अभिषेक की, जो कि भेड़िया में भी थे और इस फिल्म में भी है, तो इनका भी परफॉर्मेंस माइंड ब्लोइंग था। और बीच में ही आपको एक दो कैरेक्टर और देखने को मिलेंगे, जैसे राजकुमार राव के पापा हो गए या फिर वो अभिषेक की मम्मी हो गई, तो ये सब मूवी को और ढेर सारा कॉमेडी बनाता है। और बात करूँ हॉरर की, तो इस फिल्म के अंदर आपको हॉरर भी देखने को मिलेगा। कॉमेडी और हॉरर का बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन ये फिल्म, ये फिल्म तो मेरे को लगता है कि जरूर देखना चाहिए। तो स्त्री पार्ट 1 में सबको डाउट था क्या स्त्री ही श्रद्धा कपूर है, तो आपको ये एंडिंग में क्लियर हो जाएगा। और राजकुमार राव की सच्ची मोहब्बत श्रद्धा कपूर, क्या ये दोनों एक साथ हो पाएंगे, ये देखने के लिए आपको मूवी को लास्ट तक देखना पड़ेगा। तो ओवरऑल मेरे को ये मूवी बहुत अच्छी लगी। और बात करूँ नेगेटिव पॉइंट की, तो मुझे ये बेकार लगा कि इसके अंदर जो डार्क सीन्स है ना, कुछ ज़्यादा ही डार्क है, कुछ ज़्यादा कुछ दिखता नहीं है, एक दो चीज़ें दिखती रहती है। थोड़ा सा वहाँ पे कुछ तो लाना चाहिए था कि जिससे थोड़ी सी विजिबिलिटी बढ़ सके, बाकी इस मूवी में कोई भी नेगेटिविटी नहीं है। लेकिन हाँ, आपको वरुण धवन का डायलॉग इसके अंदर आपको एक भी देखने को नहीं मिलेगा, लास्ट में एंट्री होती है। मूवी देखने के बाद मूवी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। वीडियो मेरी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलता हूँ नेक्स्ट रिव्यू में।